हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहित चाविस। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक ट्रेलर के ऊपर, दैट्स कॉल्ड सिटी मार, ऑफिशियल ट्रेलर, जिसमें है गोपी चंद एंड तमन्ना इन द लीड रोल्स, एंड ये 2-4 दिन पहले आया है। और डेफिनेटली हम लोग स्पॉट पर रिएक्ट करने वाले थे, बट हमारे पास वक्त नहीं था, सो वी आर रिएक्टिंग ऑन दिस। एंड 10 मिलियन हो चुके हैं इसके, इट्स अ तेलुगु फिल्म। एंड या सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। అందరం గెలిస్తే దేశం మొత్తం తిరిగి చూస్తాం, అప్పుడు మన కష్టం గురించి చెప్తే దేశం మొత్తం మన గురించి ఆలోచిస్తాం. మనల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవడు ఉన్నారంట, ఇక్కడ ఆడపల్లు వేసుకునే బట్టల లెంత్ను బట్టి క్యారెక్టర్ డిసైడ్ అయిపోతుంది. దేశంలో మగాళ్ళు కనీసం 60 ఏళ్ళు బతికి చచ్చిపోతున్నారు, ఆడాలు కూడా 60 ఏళ్ళు బతుకుతున్నారు, కానీ 20 ఏళ్ళకే చచ్చిపోతున్నారు. చంపేద్దాం వీళ్ళందరినీ 20 ఏళ్ళకే. కలాం గారు కలలు కనమన్నారు, పగటి కలలు కాదు. వీడు ఏ తెరసులు ఎక్కువ తెలుపుకుంటున్నాడు, బాడీలో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైపోయింది. ఒక్కసారి కోట్లు అడుగు పెట్టాక మీ ఫోకస్ ఉండాల్సింది ఓన్లీ కోత గీత. ఈ మ్యాచ్ అయిపోయే లోపు మ్యాచ్ అయిపోవాలి. మనం ఎన్నించి వెళ్ళటం అంటూ జరిగితే కప్పు కొట్టుకునే ముందుగా చావులా. యా, ఆడపిల్లలకు కావాల్సింది బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మగాడి తోడు కాదు, ధైర్యం అనేది. सट्टा मार के नहीं, सिटी मार के दिखाएंगे. क्या मार के नहीं? हाँ, क्या मार के नहीं? क्या कि सोटा थोड़ा सा क्या कि बोला सुनिए. साउथ का सट्टा मार के नहीं, सिटी मार के दिखाएंगे. छोटा सोटा सट्टा मार के नहीं, सीटी मार के दिखाएंगे. छोटा छोटा मार के नहीं, कुछ सीटी मार के दिखाएंगे. दिखाएंगे या एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, दैट्स रियली गुड. यू नो जब वो लोग बात भी करते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, वो अलग ही टेस्ट आता है. ऐसे एक है हमारे ऑफिस में भी, गोपी चंद, तमन्ना, दिखेगा सूर्यवंशी, भूमिका चावला, रहमान. देखा एक ग्लिम्स में पहचान गया, चल रहा है बचपन का प्यार हमारा. ओके, व्हाई देयर इज नो सबटाइटल्स? या इट्स अ बिग फिल्म, डेफिनेटली इट नो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सबटाइटल्स बना दे तो क्या होया था. मुझे बोलो यार, मैं बना दूंगा, फ्री में नहीं बनाएंगे. ओके, व्हाट्स इट, क्या समझ में आया आपको? मुझे क्या समझ में आया, देयर इज अ कबड्डी टीम एंड देयर इज वन ट्रेनर. And just because this girl is wearing, has to wear shorts in order to fight this game, so she is being kya bolte hai, protested by the people who don't want village. Of the village or jo bhi hai uska. Now he takes the initiative of taking her to the level where she wants to reach, the talent. And also ke there was what he can say, yahan pe society mein hamari ladki ka skirt dekh ke uska character judge kiya jata hai, jo bolke wo dikha mujhe shayad. So while the people are against this person, जो लड़कियों को वहाँ तक ले जा रहा है, ये उनको साथ फाइट करता है, एंड ही मेक श्योर के दिस गर्ल रीचेज द इंटर नेशनल कबड्डी. मुझे लगा ओलंपिक्स है लेकिन लगा नहीं, वो इट इज नेशनल कबड्डी कॉम्पिटिशन. मुझे भी ओलंपिक्स लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोला ना, तो समझ में आ गया कि दे आर फाइटिंग विद सम नॉर्थ इंडियन टीम, एंड दैट्स व्हाई ही उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोला. तो सिटी मार भी हिंदी वर्ड ही है बेसिकली. या तो यहाँ पे क्या था कि उसके बाद विसिल पोड़ू होता है ना तमिल में, ऐसा वो सिटी मार होता है.
तो इसके बाद वो देन व्हाट हैपेंस है, कैसे फाइट, देन देयर इज अ विलन आता है वहाँ पे, और जितना भी विलन जो ये था, जो भी ड्रामा दिखाया जा रहा था, वो टिपिकल तेलुगु है ना, तेलुगु फ्लेवर है, वो तेलुगु फ्लेवर है, टिपिकल तेलुगु फ्लेवर. हाँ, and I think South Indian flavor नहीं, Telugu flavor, to be very precise. हाँ, Telugu flavor है. Yeah, but I don't think कि यहाँ पर villain की वगैरह ज़रूरत थी. You know about this society and all the happening नहीं, जो भी था वो वगैरह सब ठीक था, चलो. But villain, I think there is another different, you know, storyline भी चल रही होगी. I think personal Gopichand के personal life से कुछ होगा. Because see, he is fighting with a village guy, और village guy में कोई आया कि दादागिरी तो नहीं करेगा. There are people जो कि normal life में people होते हैं, जो लोग protest कर रहे हैं and all. So I think एक दूसरी storyline भी चल रही है. Maybe his love story or something like that with Tamanna. You know. एंड तमन्ना का बहुत कम गेम्स देखने को हमें मिले, बिकॉज आई थिंक भूमिका चावला इज दे, भूमिका चावला मे बी प्लेइंग गोपीचंद सिस्टर, करेक्ट, हो सकता है. तो वहीं से कुछ विलन की कनेक्शन कुछ निकल के आई थिंक इन तक आ रही है. सो दे आर हैपनिंग, यू नो, इस तरीके के प्लॉट्स बहुत बन चुके हैं कबड्डी के ऊपर एंड दिस कैरेक्टर्स वाइज एंड ऑल. आई थिंक बिगिल, तलपति विजय की फिल्म, इट्स अबाउट फुटबॉल, बट स्टिल यू नो इस तरीके का ही कॉन्सेप्ट था. सोसाइटी में कैसे लड़कियों को खेलने नहीं देते, कैसे टॉर्चर होता है एंड ऑल दो स्टफ. वहाँ पर भी दो तीन प्लॉट अलग अलग चल रहे थे अबाउट द पर्सनल लाइफ एंड ऑल. आई थिंक बहुत बन चुके हैं प्लॉट, मे बी यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा. कबड्डी में कौन सा और एक कबड्डी में आया, दिस अनदर फिल्म नहीं, व्हिच इज द फिल्म ऑन कबड्डी, कबड्डी कौन थी यार, कबड्डी से रिलेटेड दंगल थी, दंगल वाज अ वेरी दंगल वाज नॉट कबड्डी, इट वाज रेसलिंग. ओह सॉरी, द रेसलिंग थी ना, या कबड्डी में थी नहीं कोई फिल्म, आई हैव नो आईडिया, शायद यही है, नो आईडिया, कबड्डी बेस्ड मूवीज, बट स्पोर्ट्स ड्रामा के ऊपर आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स. या बट ये लगा नहीं स्पोर्ट्स ड्रामा कुछ है बोल के, इट डू नॉट साउंड लाइक, इट्स लाइक मसाला मूवी तो सब स्पोर्ट्स ड्रामा, क्योंकि जिस तरह तमन्ना भाटिया को जो सॉन्ग्स दिए गए हैं, आइटम सॉन्ग गा देगी हैं, I think it's done. Like Tamanna Bhatia has been doing such roles from a long time. It's high time she stops being that, you know, Barbie girl kind of a girl. Pata nahi unne kiya hoga, mujhe nahi pata, shayad maine miss kar liya hoga. Nahi, she is doing a good film, script series. Although she have done this August November story karke ek series hai. But again, har ek movie mein kya hota hai na ki Tamanna Bhatia ko aise dikhaya jata hai ki jaise maan lo made up ke इल्यूमिनेट होते हैं, एक कांच की गुड़िया जैसी है. हाँ, इवन इफ शी इज डूइंग वेरी सीरियस रोल्स, इवन देन उनका जो स्किन टोन है या फिर उनका जो भी है, इट इज बीइंग शोड लाइक अ वेरी कांच की गुड़िया, ऐसे कुछ दिखाया जाता है वहाँ पे. इट्स हाई टाइम, जैसे कि राधिका आपने रियल रोल्स करती हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो रियल रोल्स करते हैं. फॉर दिस मैटर देर इज ऑल्सो, याद नहीं आ रहे मुझे ऐसे नाम अभी, लेकिन वो ऐसे एक रियल रोल्स करते हैं, वो रियल अपना जो दिखाते हैं वैसे रोल्स करते हैं, जहाँ पे इतना विमेन लाइक, सी टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ओके आई विल टेल यू समथिंग, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्या है कि Do you actually find, like how you saw Tamanna Bhatia, do you actually find such girls around you? No. Like on a daily basis? Like how she was appearing, the clothes she was wearing and how she was looking, perfect body and perfect, wo jo tha na, kaanch ke jaisa skin, you don't see such girls. Initially kya tha ke Telugu movies 2005-2006 mein jab ye introduce hota IN jab movie aaya tab it was fine, dekhte the acha like and like, lekin it's 2022 now, 21 now. So aise zamane mein I think we should try to show us characters which are relatable to us, even women characters also. ये लगता है यहाँ पे ऐसे. Yeah, oh see, Tamanna के बारे में बोलें तो she's a good actress. You know, but unfortunately उनको उस तरीके के roles अभी तक नहीं मिल रहे हैं. एक दो मिले थे. Yeah, she have done a good job, but क्या है ना कि I think Tamanna is an actress जो के बहुत different languages में बहुत कम दिखने को मिलती है हमें. You know, we can't see her more in Tamil language. We can't see more in Kannada language or Malayalam language. ज़्यादातर उनको तेलुगु ही मिलता है या फिर कभी कभी हिंदी. So I think उनको काम की भी ज़रूरत है. So I think she just accept the offer जो कि अच्छा दिखता है, उनको पसंद आता है, because definitely she can't be waiting for the projects like that. You know, but still she have done November story. I think उसके अलावा मैं कोई गिना नहीं सकता. या उनके स्किन टोन, बाबी गर्ल, ऑल दो स्टफ, बाहुबली में थोड़ा उनका यू नो चेंज किया गया था, बट स्टिल वहाँ पर भी एक एलिमेंट डाल दिया गया था जहाँ पर शी इज यू नो प्लेइंग ब्यूटीफुल लाइक एंजल, एक नाजुक फूल परी ऐसे, वहाँ पर भी डाला गया था, बट स्टिल उनके यू नो टोन को वगैरह वगैरह चेंज करके, यू नो आई थिंक शी इज, या शी इज फेयर, यू नो जो उनको नाम देते हैं, यू नो द मिल्की ब्यूटी समथिंग उनको बोलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर, बट स्टिल आई थिंक Tamanna शी डिजर्व अ वेरी गुड प्रोजेक्ट्स. यू नो द अदर एक्ट्रेसेस लाइक
अनुष्का यू नो शी यू नो बहुत अलग अलग यू नो हॉरर में कॉमेडी में एक्शन शी यू नो ट्राई अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स व्हाट आई वांट टू से इज वन ऑफ द सीनियर एक्ट्रेस आल्सो अच्छा अच्छा इन द फील्ड यू नो लाइक कब से देख रहे हैं हम लोग तमन्ना को मेरे बचपन से देख रहा हूं मैं या आई थिंक और एक क्या था कि 5-6 यहां पे तमन्ना शुड स्टॉप बीइंग आई स्टॉप गेटिंग आई कैंडी रोल्स वो तो ना आई कैंडी होते हैं जैसे कि हीरोइन होते हैं जहाँ पे सिर्फ उनका रोल्स होता नहीं है उनका डेलिबरेटली रोल घुसाया जाता है वहाँ पे दे जस्ट लाइक थोड़ा अट्रैक्शन के लिए एक अच्छी लड़की के लिए वो दे शुड स्टॉप डूइंग आई कैंडी रोल्स शायद अभी अभी इस टाइम पे एनीवे चलो सो या दिस वाज अवर रिएक्शन ऑन सिटी मार्ट ट्रेलर एंड या जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विशेष बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो द इंस्टाग्राम इसके लिए डिटेल्स हमें दिए हैं दिस इज मोहित शाबिस मोहित नायक साइनिंग ऑफ